नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स टू पॉइंट ओ पे तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो कि की है कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे क्लासेस के बारे में देखेंगे जो भी क्लासेस हमें कीमोथेरापिक एजेंट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे तो हमारा सबसे पहला क्लास है पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन के बारे में देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन इसका डोज क्या होता है इंडिकेशन इंडिकेशन ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे तो पेनिसलिन के बारे में देखते हैं आइए स्टार्ट करते हैं पेनिसलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज क्लीनिकली यूज इन नाइनटीन फोर्टी वन एंड इट वॉज ऑप्टेन फ्रॉम द फंगस पेनीलियम नोटैटम तो पेनीसिलिन ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि क्लिनिकली यूज किया गया था कब नाइनटीन फोर्टी में और ये किससे ऑप्टेन किया गया है एक फंगस से ऑप्टेन किया गया है जिसको हम बोलते हैं पेनीसिलियम नोटैटम पेनीसिलियम नोटैटम इस फंगस से पेनिसलिन जो है वो ऑप्टेन किया गया है तो इस तरीके से ये पेनिसलिन होता है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहला है बेंजिल पेनिसिलिन डेरिवेटिव जिसकी एग्जांपल है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी देन नेक्स्ट है बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन जिसके एग्जांपल है क्लोक्सासिलिन एंड देन नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनीलिसिस जिसकी एग्जाम्पल है एमोक्सीिलिन एंड एम्पेसिलिन तो इस तरीके से ये छोटा सा क्लासीफिकेशन पेनिसलिनस का देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री टू एटी सेवन पॉइंट फाइव एम जी पर के जी इंट्राविनस रूट से भी दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जाता है देन इंडिकेशन देखेंगे इसके यूजेज क्या होते हैं तो सबसे पहला है स्टेप्टोकॉकल इन्फेक्शन अगर स्टेप्टोकॉकल इन्फेक्शन हुए हैं मतलब स्टेप्टोकॉकल क्या है इसकी वजह से इन्फेक्शंस होता है हमारे बॉडी में और वेरियस डिसऑर्डर्स आकर होते हैं तो इसका अगर इन्फेक्शंस है तो इसको ट्रीट करने के लिए पेन्सिल्स का यूज किया जाता है न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है मेनिनगोकॉकल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है सिफाइलिस इस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है डिप्थेरिया टीटानस ये सारे कंडीशन होती है. ये सारे जो इंफेक्शन होते हैं इनमें पेरिसिल्स का यूज किया जाता है देन नेक्स्ट है मैकेनिज्म मेकेनिज्म देखेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है पेनिसिलिन की ये किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है उसके बारे में देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ऑल बीटा लैक्टेमिज एंटीबायोटिक्स इज द सेम तो जो मेकेनिज्म होता है बीटा लैक्टेमिज एंटीबायोटिक्स की हमने जो कीमोथेरेप्टिक एजेंट है उनका क्लासिफिकेशन देखा लास्ट लेक्चर में उसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी देखी एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टेमिज एंटीबायोटिक्स तो इसमें जो भी ड्रग्स होते हैं तो इसमें हमने पेनिसिलिन ये एक ड्रग पढ़ा था तो ये जो बीटा लक्टेमेज एंटीबायोटिक्स होते हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होती है दे इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल बाय फॉलोइंग स्टेप्स तो ये जो ड्रग होते हैं ये बीटा एक्टमेज क्या करते हैं लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको सिंथेसाइज नहीं होने देते उसका सिंथेसिस जो है वो इनिबिट कर देते हैं तो कुछ यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए के अकॉर्डिंग उन स्टेप्स के थ्रू ये बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस जो है वो इनिबिट करते हैं तो उन स्टेप्स के बारे में देखेंगे सबसे पहला है दे अटैच टू स्पेसिफिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है इस प्रोटीन से जाके ये ड्रग्स जो है ये बाइंड करते हैं और ये जो प्रोटीन होता है ये सेलवॉल

ट्रांसपेप्टिडेशन होता है तो इस प्रोसेस को ये ड्रग ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसाइज ही नहीं होती देन नेक्स्ट है दे एक्टिवेट द ऑटोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द सेल वॉल तो जो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये जो ड्रग्स होते हैं ये जो पेनिसल्स होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं उन एंजाइम्स को जो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है पेनीसिलेंस की दैन नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी कॉन्ट्राइंडेशंस कॉन्ट्राइंडेसन्स क्या है सीवियर लीवर डिसीज अगर लीवर डिसीज़ है किसी भी पेशेंट में तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग उनको नहीं दे सकते हाइपर सेंसीटिविटी हाइपर सेंसीटिविटी के कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते तो इस तरीके से ये पेनीसिलेंस होते हैं दैन नेक्स्ट हम देखेंगे सेफेलोसपोरिन के बारे में हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सा है सेफेलोसपोरिन तो सेफेलोसपोरिन के यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडिकेशन इंडिकेशन डोज ये सारी चीज़ें देखेंगे सेफेलोसपोरिन आर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स डिराइव फ्रॉम सेफेलोसपोरिन सी विच इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम सेफेलोसपोरियम तो सेफेलोसपोरिन ये एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि सेफेलोसपोरिन सी से डिराइव किया गया है और ये ऑप्टेन किससे किया गया है सेफेलोस्पोरियम ये भी एक फंगस है सेफेलोस्पोरियम ये एक फंगस है इससे जो है ये सेफेलोसपोरिन ऑप्टेन किया गया है तो इस तरीके से ये सेफेलोसपोरिन होता है तो ये जो सेफेलोसपोरिन है इसके न्यूक्लियस में भी बीटा एक्टेमेज रिंग होती है और उसी बीटा एक्टेमेज रिंग की हेल्प से ये बैक्टीरिया को किल करते हैं तो इनका मेकेनिज्म और जो पेनिसिलिन का मेकेनिज्म हमने अभी देखा उनका मेकेनिज्म जो है वो सेम होता है बैक्टीरिया को किल करने का दे नेक्स्ट हम देखेंगे इनका

सेफेक्लोर देन नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन के कौन से ड्रग्स है पेरेंट्रल रूट से दिए जाते हैं सेफोटैक्सिम एंड ओरल से सेफिक्सिम नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन इसमें पैरेंट्रल रूट से ही दिए जाते हैं इसके एग्जाम्पल है तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है सेफेलोसपोरिन का देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशन ये जो सेफेलोसपोरिन है इनके यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे दे आर एक्टिव अगेंस्ट प्रोटियस मिराबलिस ई कोलाई एंड क्लेप्सिएला न्यूमोनी तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये प्रोटियस मिलेबलिस ई कोलाई एंड क्लेप्सिएला न्यूमोनिया इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिवली काम करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से अलग अलग डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में औकर होते हैं जैसे फैलोसपोरी होते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिवली काम करते हैं इफेक्टिव एक्शन शो करते हैं देन नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन सिफेलोस एक्टिव अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा इनफ्लुएं तो ये जो सेकेंड जनरेशन सिफेलोस होते हैं ये एच इन्फ्लुएंजा एंटेबैक्टर एरोजिनस इस तरीके के जो बैक्टीरिया इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अगेंस्ट एक्टिवली काम करते हैं देन नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन सिफेलुसपोरिन एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैसिल तो जो थर्ड जनरेशन के स्पोरिन होते हैं वो ग्राम निगेटिव बैसिलिस के अगेंस्ट एक्टिवली अपने एक्शन शो करते हैं उनका फॉर्मेशन प्रिवेंट करते हैं तो इस तरीके से ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिंस होते हैं तो इस तरीके से ये इंडिकेशन्स हो गए ये अलग अलग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी के कंडीशन में ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते रेनल फेलियर मतलब किडनी फेल है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते हिपैटिक इम्पेयरमेंट मतलब लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते रोमैटिक फीवर रोमैटिक फीवर है तो कंडीशन में भी ये ड्रग यूज नहीं कर सकते प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग इन में भी का यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट देखेंगे इनका डोज इनका डोज होता है टू फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड एम जी ओरल रूट से ये दिया जाता है तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के दो क्लासेस देखे कौन कौन से पेनिसल और सेन बाकी के जो क्लासेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू